सहारनपुर में पूर्व एमएलसी एवं खनन माफिया हाजी इकबाल का चौथा पुत्र भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया, हाजी इकबाल का पुत्र अफजाल काफी दिनों से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर मिर्जापुर पुलिस ने जिला कारागार के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर रंगीन धाराओं में लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज है। एसएसपी सहारनपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के तीन बेटों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसी के साथ उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब केवल हाजी इकबाल ही फरार चल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। जी, इसमें थाना मिर्जापुर की पुलिस ने अफजाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ के खनन माफिया इकबाल के सुपुत्र हैं और ये 420 और डकैती के मामले में पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति की ज़मीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा की थी, जिसको कि लेकर इन्होंने मारपीट की और लूटपाट के आरोप इन पर लगाए गए थे। इस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य अभियुक्त हैं वो ऑलरेडी कुछ जेल में हैं और एक इकबाल बाला जो है वो फरार हैं। उन पर जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 का पुरस्कार है और इस इनामी रकम को बढ़ाने की आगे कार्रवाई की जा रही है और इसमें आगे इनको गिरफ्तार कर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी साक्ष्य संकलन कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या जमीन की इनके पुरके की कार्रवाई भी की जाएगी? जी, इसमें इनके खिलाफ पहले भी पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है और जो नए मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके आधार पर विधिक अभिमत करते नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर, हाजी इकबाल पिछले काफी समय से एब्सकॉन्डेड है, उसको लेकर के क्या प्रयास आप लोगों की तरफ की गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे हैं? कितनी टीमों का गठन किया गया है? अभी तक कहाँ कहाँ आप लोग की जाँच पहुँची है गिरफ्तारी के लिए? जी, इसमें एसपी रूरल के नेतृत्व में हमने 3 टीमों का गठन किया है और इनके जो परिवारजन हैं उनमें से ज़्यादातर लोग चूँकि अंदर हैं, जेल में हैं, तो इस वजह से जो अन्य लोग हैं इनके साथीगण उनकी जानकारी कर उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कुछ शहर के कुछ लोग हैं जिनका नाम सामने आया है, जो कि सहयोगी की भूमिका इनके साथ निभा रहे हैं, उनकी भी पुलिस अब शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और जो भी इन्होंने बेनामी संपत्तियाँ खरीदी है, अन्य लोगों के नाम संपत्तियाँ की है, उनकी भी जांच की जा रही है और उसमें भी नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग जेल जा चुके हैं इस प्रकरण में? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।